इस तरह की मशीन बनाने के लिए आपको ये सब मटेरियल चाहिए होगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मोटर वगैरह, मोटर ब्रैकेट वगैरह, सब कुछ, जो भी स्क्रोल लो, सब कुछ चाहिए आपको। सबसे पहले बड़ी लकड़ी लेनी है और यहाँ एल शेप में जो लोहे की चीज़ है उसको लेना है, चार छेद निकाल के उसके ऊपर रख के हमने चार बुलेट नट उसको लगा देने हैं और अच्छी तरह से कस देना है ताकि जो हिल ना पाए, क्योंकि लकड़ी काटने टाइम इसका जोर बहुत लगेगा। तो यहाँ इसके ऊपर जो छेद था उसके अंदर हम मोटर फिट कर देंगे। मोटर फिट करने के बाद इसको अच्छी तरह से घुमा के देख लो, अच्छी तरह से चल रहा था। इसके आगे से हम स्केल से दो लाइनें लगाएंगे और इसके ऊपर हम गम लगाएंगे, लकड़ी लगाएंगे, जो हमने पीसेस स्टार्टिंग में रखे थे वही पीस इसमें यूज़ होंगे, इससे एक्स्ट्रा कोई पीसेस यूज़ नहीं होगा। नीचे से हम छेद लगा लेंगे, अच्छी तरह से हम किल लगा लेंगे ताँ जो ऊपर वाली लकड़ी है वो हिल ना पाए। और बड़ी लकड़ी लेनी है और दूसरी लकड़ी को उससे एल शेप में जोड़ देना है। दोनों कोनों के जोड़ के अच्छे जोड़ने के लिए इसमें छेद निकालेंगे। छेद निकालने के बाद इसके अंदर हम कील लगा लेंगे ताँ जो अच्छे से ये चिपक जाए। चिपक जाने के बाद इसके ऊपर जो पहले लकड़ी लगाई थी इसके ऊपर गम लगा के उसके ऊपर हम एल शेप में जो लकड़ी थी उसको रख के अच्छी तरह से छेद निकालेंगे और इसके ऊपर हम फिर से कील लगाएंगे ताँ जो हिल ना पाए। दूसरे सिरे पर हम एक और लकड़ी लगाएंगे, अच्छे से छेद निकालेंगे और फिर से हम कील लगा लेंगे। ये काम पक्का होना चाहिए, नहीं तो जब भी आप लकड़ी काटेंगे तो वो फिर से टूटने का खतरा हो सकता है। इसके आगे भी हम एक छेद निकालेंगे और गम लगा के इसके अंदर एक कील लगा लेंगे और इसके ऊपर एक छोटी सी लकड़ी एल शेप में लगाएंगे। जो कि इसमें एक अहम हिस्सा होगा जो एक ब्लेड को चलाने में मदद करेगा। तो वही हमने जो ऊपर किल लगाया था उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा के एल शेप में छोटी लकड़ी निकाली थी उसके ऊपर रख के और बाहरी तरफ हम एक लकड़ी से कवर कर देंगे ताँ जो वो एल वाली लकड़ी निकल ना पाए। नीचे हम एक बड़ी लकड़ी लेंगे, प्लेन लेंगे और इसको अच्छी तरह से गम से जोड़ देंगे, चाहे तो आप कील भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब नीचे तरफ जो मोटर वाली साइड है उसके ऊपर भी एक ब्लेड के दूसरी तरफ लकड़ी लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको भी कवर कर देंगे। ये हमारा आधा काम हो चुका है। अभी हमें एक गोली लकड़ी लेनी है और इसके ऊपर दो छेद निकालेंगे, एक सेंटर में एक ऊपर में। सेंटर वाला मोटर में लग जाएगा और जो दूसरा वाला है वो ब्लेड को खींचने में मदद करेगा। उसके लिए हमें चाहिए एक कील जो हम दूसरी तरफ से बैंड कर देंगे और ऊपर वाले ब्लेड की लकड़ी को चिपका के अच्छी तरह से नट बोल्ट से कस देंगे और नीचे मोटर को भी जो लकड़ी वाला शेक था उसको भी हम अच्छी तरह से चिपका देंगे। और ये हमारा आधा काम हो चुका है। अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर मोटर और बैटरी वगैरह जो इसको चलाने में मदद करेगा। चलिए इसको भी जोड़ते हैं। इसके चलाइए चाहिए हमें बटन और मोटर को तार जोड़ेंगे, एक बटन को लगाएंगे एक डायरेक्ट और दूसरी तार लेंगे उसको मोटर का एक सिरा लगा के दूसरे सिरे को हम जो प्लग इन का है उसके ऊपर लगाएंगे। और तारों को अच्छी तरह से कवर कर देंगे और बीच वाला जो जोड़ था प्लग और स्विच का वो अच्छी तरह से जोड़ देंगे। नीचे हम एक सरफेस पे कुछ कपड़ा वगैरह लगा लेंगे ताँ जो अच्छी तरह वो घिस ना जाए नीचे से। तो ये हमारी मशीन बनके तैयार हो चुकी है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। चलिए इसे हम चार्जर से चलाते हैं। देखिए ये हमारा लकड़ी काटने वाली मशीन तैयार हो चुकी है। अगर आप भी घर पे ऐसा क्राफ्ट करते हैं तो आपको लकड़ी काटने के लिए ऐसी मशीन चाहिए होगी तो आप ऐसी लकड़ी बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियो और इस चैनल पर मिलती रहेंगी। नमस्कार।